सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? शाहिद हुसैन जोया। मेरा खानेवाल में जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पे मैं कोई ख़रीदारी कर रहा था तो वहाँ एक छोटी सी शॉप मुझे नज़र आई। मैं शॉप पे चला गया, मैंने देखा कि यार उस बंदे के पास सिर्फ सिंगल आइटम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन सिंगल आइटम की जो आगे लवाजमात हैं या वराइटीज़ हैं वो उसने पूरी रखी हुई है। तो शॉप थी उसकी परफ्यूम की, परफ्यूम में उसने मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज रखी हुई थी। मिसाल के तौर पे लेडीज परफ्यूम है, मर्दों के लिए परफ्यूम है, इतर है, खुशबूयात हैं, खुशबुएं बनाने की जो आइटम होते हैं वो हैं, उनकी खाली शीशियां हैं, लेबल्स हैं, ढक्कन स्टाफर हैं, यानी पैकिंग का इंतजाम है। तो उसके पास टोटल जो वैरायटी थी वो परफ्यूम से रिलेटेड थी, उसने और कुछ भी नहीं रखा हुआ था। तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं खानेवाल में, तो मैं उनके साथ था। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार ये कैसी शॉप है कि इसके पास और कुछ है नहीं। उसने कहा यार खानेवाल के अंदर किसी भी शख्स के जहन के अंदर ये आता है कि यार मैंने परफ्यूम लेना है या मैंने इतर लेना है या मैंने बॉडी स्प्रे लेना है, मैंने तो सबसे पहला नाम इसी शख्स का जहन में आता है। तो किसी भी किस्म की खुशबू है, कोई भी इतर है, कोई भी बॉडी स्प्रे है तो वो चाहिए, तो हम सीधे यहीं पर आते हैं, यहाँ से लेते हैं। तो मुझे यार उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि यार बंदे ने कमाल किया हुआ है, कि बंदे ने कमाल किया हुआ है कि एक वैरायटी के अंदर उसने जो है ना अपना नाम पैदा किया है। पूरे खानेवाल जिले के अंदर जो है ना वो शख्स मशहूर है, तमाम लोग उसके पास जाके ना खुशबूयात और इत्रियात लेते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि यार अगर इस तरह का कोई काम किया जाए कि सिंगल आइटम को लेके उसकी तमाम वैरायटीज और उसके साथ रिलेटेड चीजें जो है वो रखी जाए, तो मेरा ख्याल ये एक अच्छा कारोबार है। किसी और आइटम को क्या लेना, आप इतर को ही ले लें, खुशबू को ले लें, ये परफ्यूम को ही ले लें, बॉडी स्प्रे को ही ले लें, सिर्फ इसी आइटम पे आप मेहनत कर लें, इसको बना लें अच्छे तरीके से, यानी दुकान को मेंटेन कर लें, तो मेरा ख्याल है बहुत जल्द आप नाम पैदा कर सकते हैं। आइडिया अच्छा लगे तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दोस्त शाहिद हुसैन जोया।